हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। इससे पहले मैं मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बता चुकी हूँ। उस वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो जैसा कि मनोविज्ञान का अर्थ आप समझ गए हैं कि पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो अब मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। अब पूछेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार का विज्ञान इसे किसने कहा? तो वाटसन ने, ठीक है। और आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में इसको कहा गया, अरस्तु प्लेटो डेकार्ट ने इसके समर्थक हैं। मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया, पेम्पोनॉजी इसके समर्थक है यानी जनक है। और चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया, विलियम वुंड, विलियम जेम्स ये सब इसके समर्थक हैं। एंड व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया, तो वाटसन इसके प्रवर्तक है। एंड इसके समर्थक है वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ठीक है। और मनोविज्ञान को ही व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान कहे वाटसन ने। तो इसके बारे में एक छोटा सा परिचय था, ठीक है। एंड बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाओं की। तो मनोविज्ञान की 10 शाखाएं हैं, ठीक है। 10 शाखाओं का नाम क्या है? सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, असाधारण मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, परीक्षात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान एंड प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। ये है 10 मनोविज्ञान की शाखाएं। यानी कि इन शाखाओं के अंदर उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान है तो बालक की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति है तो व्यक्ति के, सामाजिक है तो समाज के अनुसार। ऐसे ही ये सब शाखाएं हैं, ये अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाओं के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। तो लास्ट में 10वां शाखा क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी 4 शाखाएं हैं, 4 उप शाखाएं हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो आप बोलेंगे 10 शाखाएं हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो 4, शिक्षा, औद्योगिक, चिकित्सा, खेल। शिक्षा, औद्योगिक, चिकित्सा, खेल, क्योंकि शिक्षा में भी प्रयोग द्वारा सीखा जाता है, औद्योगिक में भी प्रयोग द्वारा सीखा जाता है, चिकित्सा में भी प्रयोग द्वारा सीखा जाता है, खेल में भी प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की 4 शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, ठीक है। तो शिक्षा, औद्योगिक, चिकित्सा, खेल, ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी 4 शाखाएं हैं, तो ठीक। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो 10 शाखाएं हैं, ठीक है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल चिकित्सा मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो मनोविज्ञान की शाखाएं और उप शाखाओं के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पार्ट जो आवश्यक था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो खेल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, खेल मनोविज्ञान की परिभाषाएं और खेल पर आधारित शिक्षा विधियां, जैसे हो गया डाल्टर विधि, बाल्चर विधि, मॉन्टेसरी विधि, हारिस्टिक विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन सब का वर्णन करूंगी। और खेल की सैद्धांतिक धाराएं हैं, जो कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भविष्यदर्शी का सिद्धांत, मनोरंजनात्मक सिद्धांत, पुनः अवलोकन सिद्धांत, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से क्लियर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, बस बने रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अपना ध्यानपूर्वक स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।